यहाँ पे गाड़ी आई हुई है भाई हीरो की, और पढ़ाई लिखाई भी यहाँ जोरों शोरों से होता है भाई। ये पुलिस सहायता केंद्र है, और ये और आगे में मंदिर है जो मैं आप लोगों को दिखलाते हुए आया हूँ। ये कन्या उच्च माध्यमिक, लगेगा कि आप भिलाई में हो, सेम ऐसी बना हुआ है। गाइस वेलकम बैक, मैं यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स रोड पे को फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ बिसरामपुर सिटी, और आज का जो ब्लॉग रहेगा ये पूरा बिसरामपुर शहर के बारे में रहेगा कि कहाँ पे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और सिटी कैसा है। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बिसरामपुर शहर दिखलाने वाला हूं, जो बहुत प्यारा शहर है। वैसे मैंने काफी कुछ वीडियो में इसका जिक्र किया हुआ था। तो अंबिकापुर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास में है, एग्जैक्ट मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन ये मान के चलो 20 से 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के अंदर में ही है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, सूरजपुर आगे साइड में है, यहाँ से सूरजपुर 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले मैं यहाँ का रेलवे स्टेशन दिखला देता हूँ, जो कि हमारे राइट साइड में है और सिटी आगे साइड में है। चलिए आप लोगों को दिखलाते हैं यहाँ का रेलवे स्टेशन। मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगा बिसरामपुर का रेलवे स्टेशन, ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है। तो ये रहा गाइस बिसरामपुर का रेलवे स्टेशन, पास में ही है, सिटी जैसे घुसोगे तो आप लोगों को ये रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए बिसरामपुर, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन गाड़ी यहाँ पर रुकती होगी। आप लोग बताइए अगर आप लोग यहाँ से हैं तो। अब हम सिटी दिखलाते हैं, सिटी आगे साइड में है, धीरे धीरे ये भी डेवलप हो रहा है। मार्केट एरिया जब आप लोगों को दिखलाऊंगा ना, तभी आप लोगों को पता चलेगा भाई चारों तरफ मार्केट ही मार्केट है। अब यहाँ से हल्का फुल्का चालू हो जाता है बिसरामपुर। ये देखिए बजाज का शोरूम है और बड़े बड़े कंपनी आगे साइड में है। फर्स्ट टाइम जब देखा था बिसरामपुर सिटी को तो मुझे यकीन नहीं हुआ इतनी डेवलप हो चुकी है। वैसे तो मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन हर बार मुझे नया ही लगता है। और यहाँ पे खाना पीना भी आप लोगों को मिल जाएंगे, भोजनालय है इस साइड में। चलो आगे बढ़ा जाए। अगर आप यहां से हमारा व्लॉग देख रहे हैं तो आसपास के क्षेत्र में अगर घूमने लायक जगह हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर व्लॉग बना पाऊं। और ये है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, तो यहां भी पेट्रोल पंप की कोई कमी नहीं है। हमारे लेफ्ट साइड में यहां पे इस तरह से कॉलोनी बनी हुई है, ये देखिए लाइन से लगी हुई है। अब पता नहीं ये रेलवे वाले लोगों को दिया हुआ है, ऐसा मुझे प्रतीत तो हो रहा है, क्योंकि बनावट ही वैसी है। यहाँ पे गाड़ी आई हुई है भाई हीरो की। देखिए काफ़ी साफ सुथरा ये शहर है, वेल मेंटेन है पूरा। कटनी मुद्दा ऐसा करके लिखा हुआ है, यहाँ पे भवानी दुर्गा दुर्गा बैठाया जाता होगा यहाँ पे। और इस तरह से रोड किनारे में गाय भी है। ये देखिए ये पूरा एरिया है बिसरामपुर, पूरा भ्रमण करेंगे आज बिसरामपुर शहर का। और पता नहीं वो कहाँ लेके जाती है, आते समय उधर देखेंगे, पहले इधर चलते हैं। अब इस साइड में देख रहे हैं इस तरह से पूरा चाय नाश्ता का दुकान है, महामाया करके लिखा हुआ है, बैंक, तो इधर भी जाकर देखेंगे रिटर्न होते समय, कैनरा बैंक, होटल, तो होटल भी है यहाँ पे रुकने के लिए। ये देखो होंडा का शोरूम है। अभी मैं मॉर्निंग में आप लोगों को दिखला रहा हूँ तो कुछ कुछ दुकानें जो हैं खुल नहीं पाए हैं, अब पता नहीं यहाँ कौन से दिन मार्केट बंद रहता है। ये देखो यहाँ का थिएटर है, लवली क्या तो लिखा था, ध्यान नहीं दे पाया। तो यहाँ पे थिएटर भी है भाई साहब, और क्या चाहिए मूवी वगैरह देखने के लिए। और अंदर ही अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं भाई, SBI का ATM। अब यहाँ से चालू हो जाता है गाइस पूरा मार्केट एरिया, जो आप लोग देख पा रहे हैं पूरी मार्केट से लगी हुई है। मेन मार्केट आगे साइड में है, यहाँ पे बस स्टैंड भी है। एक तो आप यहाँ पे ट्रेन रूट से आ सकते हैं, और दूसरा आप बस से भी आ सकते हैं, या फिर खुद के बाइक कार से भी आ सकते हैं, सब चीज़ अवेलेबल है। रोड भी एकदम वेल मेंटेन है, एकदम मक्खन रूट है। यहीं से मैं गया हुआ था अमृतधारा के लिए, बैकुंठपुर के लिए, बैकुंठपुर सिटी का भी मैंने व्लॉग बनाया है, तो वो भी आप देख पाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये पूरा यहाँ का नज़ारा है, बहुत अच्छी है मार्केट, अंदर ही अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट है। और पढ़ाई लिखाई भी यहाँ जोरों शोरों से होता है भाई। ये पुलिस सहायता केंद्र है, और ये बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। जब भी मैं ट्रैवल करने के लिए जाता था तो यहीं पे ब्रेकफास्ट करता था। देखो अंदर ही अंदर
काफ़ी बस्ती है। और ये हमारे राइट साइड में है यहाँ का बस स्टैंड, देखो खुले में ही हैं, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रोड किनारे में फल की दुकान है, चाय नाश्ता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर अंदर घुसेंगे। ये देखो प्रतीक्षा बस स्टैंड करके लिखा हुआ है, इधर भी चलेंगे। थोड़ा आगे से आते हैं तो यहाँ पे खाना वाना भी मिल जाएंगे आप लोगों को। सवेरे से गुपचुप, क्या बात है। और यही सीधा सीधा लेके जाती है बैकुंठपुर स्वास्थ्य समुदाय केंद्र करके लिखा हुआ है, तो यही सीधा सीधा लेके जाती है बैकुंठपुर, सूरजपुर और चिरमिरी, नागपुर, पता नहीं क्या क्या है भाई। जितना मैं गया हूँ उतना मैं जानता हूँ, उसके आगे का मुझे भी अच्छे से पता नहीं है। वहाँ तक चलते हैं, उसके बाद रिटर्न ले लेंगे अपन। अभी भी डेवलप हो रहा है, अभी अच्छे से डेवलप हो नहीं पाया है। काफी बड़े बड़े यहाँ पे कॉम्प्लेक्स घर सब बन रहे हैं। ये अच्छी बात लगी मुझे, जगह जगह पे इस तरह से मंदिर अगर होता है आसपास के क्षेत्र में तो बोर्ड पे मेंशन किया हुआ कि हाँ यहाँ पर मंदिर है करके, तो ये मुझे अच्छा लगा। और ऐसे देना चाहिए कि हाँ आगे में मंदिर है। पूरा ए टू जेड आप लोगों को विश्रामपुर दिखला रहा हूँ मैं। आप यहां से हमारा व्लॉग देख रहे हैं तो लाइक तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि मैं आपके शहर का व्लॉग बना रहा हूं। काफ़ी कुछ रिक्वेस्ट आ रहे थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, जैसे अमृतधारा, कुमेली घाट और ना जाने कितने सारे जगह हैं। कुछ जगह तो मैं छोड़ कर ही जा रहा हूं, बाद में आकर फिर यहां का व्लॉग बनाऊंगा। एक्चुअल में मुझे उतना जानकारी नहीं था, अब मैं रिसर्च करके पूरा लिख कर लेके आऊँगा कि क्या क्या कवर करने हैं अपने को। तो पूरा अपन ए टू जेड कवर करेंगे, विश्रामपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, महेंद्रगढ़, केशव नगर करके लिखा हुआ है, तो इधर केशव नगर है। तो आगे से अपन रिटर्न लेंगे, वो पेट्रोल पंप हो गए। यहाँ खेती बाड़ी को भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो यहीं से अपन रिटर्न ले लेते हैं। अब आगे बढ़कर दिखलाते हैं भाई। और यहाँ के आसपास के क्षेत्र में ना एक से एक चीज़ें हैं जो अभी तक छुपी हुई है, यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो यहाँ के जो चीज़ें हैं, जो फेमस चीज़ की धार्मिक स्थल हो गए, पिकनिक स्पॉट हो गए, वाटरफॉल हो गए, और भी ना जाने कितने सारे ऐसे चीज़ होंगे जो हम नहीं जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। बट शर्त ये है कि आप लोग सपोर्ट करिएगा और बताइएगा। स्वास्थ्य केंद्र करके लिखा हुआ है, राइट साइड में है, तो अच्छी बात है। यहाँ हॉस्पिटल दिया हुआ है सरकार, तो ये सरकारी हॉस्पिटल है विश्रामपुर का। और आगे में मंदिर है जो मैं आप लोगों को दिखलाते हुए आया हूँ, ये कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय है। अब अपन इधर चलते हैं, इधर देखते हैं इधर का मार्केट कैसा है। ये है बस स्टैंड विश्रामपुर का, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फुल कॉलोनी है, शांति मंदिर विश्रामपुर करके लिखा हुआ है। ये करंजी, भटगांव, काफ़ी कुछ जगह हैं भाई, इस साइड से भी जाती है। तो यहाँ पे ये सब जितने भी ऑफिस कॉलोनी हो गए, स्नेह मिलन, ये सब चीज़ें इस साइड में हैं। एक बारी थोड़ा सा दिखला देता हूँ, देखिए वेल मेंटेन है, सर्विस में है। उन लोगों को यहाँ पे इस तरह से क्वार्टर दिए हुए हैं जैसे अपने BSP में होते हैं, सेम वैसी फीलिंग आ रही है जैसे BSP में क्वार्टर नहीं होते हैं, वैसी ही बना हुआ है भाई साहब इधर तो। ये क्या है भाई, अच्छा दिख रहा है। इधर भी सब्जी मंडी है, वाह बहुत खूबसूरत। ऐसा लग रहा है कि मैं सेक्टर एरिया में आ गया हूँ मैं। अब थोड़ा से अंदर घुसते हैं, ये देखो वहाँ पे स्कूल भी है, वाह सही है भाई, सेक्टर एरिया फूल वही लग रहे हैं। अपने भिलाई की याद आ गई यार, अपने भिलाई जैसा शहर लेकिन कहीं नहीं है। आप लोग अगर नहीं आए तो मैं तो बोलूँगा आइए विजिट करिए अपने भिलाई में। ये बिजली विभाग है, इधर चलते हैं। यहाँ एक मंदिर है, यहाँ भी मंदिरों की कोई कमी नहीं है। जगन्नाथ मंदिर है, तो भाई ये पूरा BSP जैसा लग रहा है। अच्छा मस्त सुंदर सा क्वार्टर बना बना के दिए हुए हैं यहाँ के जितने भी सर्विस में हैं, तो ये अच्छा लगा मुझे। ये
क्या बात है भाई साहब, मज़ा आ गया। नहीं तो अपने को पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ विश्रामपुर में है। तो ये सब आप लोगों को मैं दिखला रहा हूँ। मैं अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मैं आया था, अब सीधा चलता हूँ मैं। अंबिकापुर यहाँ से 25 किलोमीटर है। एक बारी यहाँ चलता हूँ, फिर रिटर्न हो जाऊँगा मैं वहाँ पे। सब बस्ती है, लेकिन सही बता रहा हूँ, अगर आपका कभी विश्रामपुर आना होता है ना, तो ये जगह देखिएगा, आपको ये ऐसा लगेगा कि आप भिलाई में हो। सेम वैसी बना हुआ है और पेड़ पौधे भी वैसी हैं, पूरा फैशन ब्यूटी पार्लर। देखो अपन पुष्प वाटिका, ये देखो यहाँ पे गार्डन भी है जहाँ पे आप कुछ समय बिता सकते हैं आकर विश्रामपुर में। अगर यहाँ आपको आपका जॉब लग जाता है या फिर आप घूमने फिरने के नाम से आते हैं तो। और अंदर चलते हैं नए पंचायत विश्रामपुर, क्या बात है। अब ऐसा घूम घूम कर आप लोगों को कोई ही बताएगा भाई। एक माइंड में रहता ना, अगर कोई शहर या कोई गांव अपन नहीं देखे होते हैं तो भाई कैसा होगा, क्या सुविधा होगी, कहां पर रुक सकते हैं, क्या दिक्कत हो सकती है। एक मैदान है और वहां साई मंदिर है, इधर भी मंदिर है, गायत्री मंदिर, वो देखो मंदिर, इधर गायत्री मंदिर करके लिखा हुआ है। तो ये गायत्री मंदिर है विश्रामपुर का, बहुत सुंदर सा बना हुआ है। और आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए तो देख रहे हैं कितना बड़ा है भाई बस्ती, अंदर ही अंदर। और मार्केट आप लोगों को ना रोड किनारे में देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा है काली मंदिर, तो आसपास के क्षेत्र में काली मंदिर भी है। मंदिर की कोई कमी नहीं है विश्रामपुर में। और देखिए कितना साफ सुथरा ये शहर है, वेल मेंटेन शहर है पूरा, घर भी अच्छे अच्छे बने हुए हैं, मस्त ठंडा एरिया है ये। देख सीधा सीधा रोड गई हुई है, पूरी रोड बनी हुई है। तो यहाँ से अब मैं रिटर्न ले लेता हूँ। महात्मा गांधी इस, तो मैं आप लोगों को यहाँ भी दिखला दिया, पीछे भी आप लोगों को लेके गया हुआ था। इधर चलते हैं, इधर के एरिया थोड़ा सा दिखलाता हूँ मैं। और आप ही लोग बताइए, लग रहा कि नहीं लग रहा कि बीएसपी में अपन घूम रहे हैं, बीएसपी एरिया में, मतलब कि सेक्टर एरिया में, फुल सेक्टर एरिया लग रहा है मुझे। पानी टंकी है, इधर पूरा बस्ती एरिया है। और आगे में क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। और ये सब पहाड़ एरिया में बना हुआ है, मतलब कि कहीं चढ़ान है तो कभी ढलान आ जाती है। इस साइड के एरिया में वैसे तो कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये रोड कहाँ निकालती है उतना जानकारी मुझे भी नहीं है। हाँ यहाँ पे कॉलेज है, जी हाँ कॉलेज स्कूल है ये, तो यहाँ पे स्कूल है, बहुत अच्छी बात है। तो रिटर्न लेते हैं। यहाँ का मेन रोड आगे साइड में है और ये बस स्टैंड है विश्रामपुर का, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा रखा है। अब मार्केट एरिया देखते हैं विश्रामपुर का, ये है पूरा मार्केट एरिया। और यहाँ भी हर एक चीज़ अवेलेबल है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे कि बजाज, होंडा, हीरो, मारुति और ना जाने क्या क्या। इधर भी फुल बस्ती है भाई। इस मंदिर का वीडियो देखना है तो कमेंट छोड़िएगा। बाकी आप लोगों को बस्ती तो हल्का फुल्का दिखलाया हूँ। ये देखिए पूरा यहाँ का मार्केट, भीड़ रहता है ये भी, अभी सुबह का माहौल है करके उतना क्राउड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय होते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे क्राउड देखने को मिलेंगे। यहाँ का मेन मार्केट यही है लगता है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। इस तो मैं फिर से रिटर्न ले लिया हूँ, यहाँ का मेन मार्केट देख रहा हूँ कि कहाँ पर है।
अगर छूट गया होगा तो भाई फिर सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा कवर करने की। इस साइड के एरिया में तो पूरी बस्ती एरिया है, विश्रामपुर का बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। और फिर से मैं आ गया हूँ ये मंदिर के पास में। तो गाइस आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए ब्लॉग पे।